गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके मैट्रिक्स में मिसलेनियस अरिथमेटिक क्वेश्चन नंबर 14 था, बी इक्वल्स टू बी आई जे। आपको 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है और बी आई जे की वैल्यू दे रखी है आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए इसको 2x3 में मैट्रिक्स बनाने जिसमें दो दो रो होंगी और एक दो तीन कॉलम होंगे। तो देखिए बी इक्वल्स टू B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये बढ़ गई 2y3 की। तो देखिए B1 होगा J2 होगा B3 होगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आई का मान 2 है, आई जे का मान 1 है। यहाँ पे आई का मान 2 है, जे का मान 2 है, आई का मान 2, जे का मान 3। तो हमारे पास में बी जो मैट्रिक्स है वो 2y3 की बन गई है यहाँ पे। अब देखिए B11, B12, B13, B21, B22, B23 की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए बी आई जे का मान दे रखा हमको ये, तो देखिए आई भी एक रखूंगा, जे भी एक रखूंगा, तो यहां से आ जाएगा B11 बराबर आई का मान एक रखेंगे, जे का मान भी एक रखेंगे और इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो B11 आ जाएगा 9/2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब B12 निकालेंगे, B12 का बताओ आई का मान 1 होगा, जे का मान 2 होगा, तो आई का मान 1, जे का मान 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसकी होल स्क्वायर अपॉन 2। तो B12 बराबर आ जाएगा 4 × 5 = 25/2, B13 आई का मान 1 होगा, जे का मान 3 होगा, तो ये हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2। अब निकालेंगे B21 यानी आई का मान 2 होगा, जे का मान 1 होगा, आई का मान 2, जे का मान 1, 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब निकालेंगे B22 निकालेंगे तो देखिए आई भी 2, जे भी 2, 2 × 2 = 4 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 × 2 = 36/2 = 18। अब निकालेंगे B23 का वैल्यू कितने आ जाएगी, आई का मान 2, जे का मान 3, 6 इसका स्क्वायर अपॉन 2, 6 × 2 = 8 64/2 और यह आ जाएगा 32। अब देखिए सभी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो B बराबर क्या आ जाएगा, B11 का 9/2, B12 25/2, B13 49/2, B21 8, B22 18, B23 32। यह आ गया 2x3 की मैट्रिक्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
615 का ए बराबर माइनस 101, 2, 3 माइनस 2, बी बराबर है आपके पास में 100, 0 माइनस 1 और 2, 0, 5 और 7, सी दे रखा आपको माइनस 101। तो फाइंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स एबीसी, फर्स्ट रो की वैल्यू बतानी आपको क्या होगी, तो एबीसी बराबर देखिए माइनस 1, 0, 1, 2, 3 माइनस 2, बी बी की वैल्यू 1, 0, 0, 0 माइनस 1, 2, 0, 5 और 7, और सी की वैल्यू आपके पास में माइनस 1, 0 और 1। देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का करेंगे फिर इन दोनों का। देखिए बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए मैट्रिक्स कितने की है, बी जो मैट्रिक्स है वो कितने की है, 3x3 की है, और सी जो मैट्रिक्स है वो 3x1 की है। तीन रो और एक कॉलम है, ये 3x3 की, इसका मतलब तीन रो और तीन ही कॉलम है, तो 3×3 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड होगी, तो बीसी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3x1 की, जिसमें तीन रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करें, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 माइनस 2, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, 0 प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए 0×-1, 0 माइनस 1×0, 0 2×1 प्लस 2, अब देखिए 0×-1, 0 5×0, 0 7×+7, इसको सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास में आ गया माइनस 1, 2, 0, 3, 1 माइनस 2, और ये आ जाएगा देखिए माइनस 1, 2 और 7, यहां से माइनस 1 आ गया, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 7 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितने की है, 2x3 की, ये जो मैट्रिक्स है वो 2x3 की है, ये है 3x1 की, तो 3 से 3 की कॉमन आ गया, इसका जो मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 2x1 की, कितने की बनेगी, 2x1 की, जिसमें दो रो होगी और एक कॉलम होगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1×-1, 1 0+2, 0 1×7+7 और 2×-1, -2, 3×2+6, -2×7, -14, देखिए यह आ जाएगा 7 और 1 8 और 16 में 6 गए 14 15 16 में से 6 गए माइनस 1 10, तो एबीसी में फर्स्ट रो की वैल्यू बतानी है आपको, तो ये मेरे पास में एबीसी की वैल्यू आ गई 8 और -10, इसके फर्स्ट रो क्या है, ये है इसकी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो की वैल्यू का मान पूछा इसने, तो फर्स्ट रो का वैल्यू कितना रहेगा, तो फर्स्ट रो में कितना रहेगा, 8, इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट रो क्या है, 8 है, तो फर्स्ट रो की वैल्यू पूछे इसने कितनी है, 8 होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव कितना है, 8,
एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव कितने हैं? 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 16 का। इन मैट्रिक्स ए बराबर cos थीटा sin थीटा - sin थीटा cos थीटा देन फाइंड ए ए की ट्रांसपोज, इसको आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन फाइंड ए ए की ट्रांसपोज, आपको फाइंड करनी है ए ए की ट्रांसपोज फाइंड करनी है। तो ए की ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए ए की ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यह आ जाएगा कॉस थीटा, पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि रो जो है वो कॉलम में चेंज होगी। कॉस थीटा साइन थीटा था, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मेरे को फाइंड करना है ए ए की ट्रांसपोज, तो ए ए की ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए ए का मान मेरे पास में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ए की ट्रांसपोज का मान आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और यह आ जाएगा कॉस थीटा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए ये भी 2/2 में, ये भी 2/2 में, इसका मतलब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2/2 में ही होगा। तो देखिए cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब cos थीटा को इससे करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा और sin प्लस sin थीटा cos थीटा, सभी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, सभी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जीरो ये जीरो और ये आ गया वन, ये इसका आंसर है। या इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, वन एक्स और वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री टू फाइव और यह आ जाएगा वन टू और थ्री और बराबर जीरो, फाइंड करना आपको एक्स की वैल्यू, फाइंड क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। तो देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है और ये जो मैट्रिक्स है वो कितने की है, 3x1 की है, यानी तीन रो है, एक दो तीन, पहले रो लिखे जाते हैं फिर कॉलम, तो रो कितनी हो गई एक दो तीन और कॉलम क्या है इसका एक ही है, कॉलम क्या है एक है, रो कितनी हो गई एक दो और तीन, तीन रो एक कॉलम।
अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का ये क्या निकल गया, वेरिएंस निकल गया इसका, इसका मतलब ये कॉमन आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3x1 की बनेगी। कितने की बनेगी, 3x1, जिसमें तीन रो होंगे और एक कॉलम होगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1x और 1 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 प्लस 4 3 into 3 9 4 into 1 4 5 into 2 10 6 into 3 18 3 into 1 3 प्लस 2 into 2 4 5 into 3 15 और बराबर 0। तो ये देखिए क्या रहेगा, 1x और 1 9 4 13 1 14 18 4 22 15 4 19 19 और 3 22 बराबर 0। आगे देखिए, ये 32 आएगा भाई, 18 और 10 ये 8 नहीं 18 है, 18 प्लस 10 28 और 4 32। अब देखिए ये है 1x3 का, ये जो मैट्रिक्स है वो कितने का है, 1x3 का, यानी एक रो है 3 कॉलम है, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, रो क्या होगी इसकी, 1 1x3 का है। अब ये कितने का है, ये है 3x1 का, 3x1 का, तो ये चीज कॉमन आ गई इसमें। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसके बनेगी, कितने की बनेगी, 1x1 की, जिसमें एक ही कॉलम और एक ही रो होगा। तो एक को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, एक्स को इससे करेंगे प्लस का 32x और इसको करेंगे प्लस 22 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 32x बराबर आ गया माइनस का 22 और माइनस का 14, तो 32x बराबर आ गया माइनस का 36, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 36/32, माइनस 36/32 काटापिटी करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा, देखिए x बराबर माइनस 9 चौक 36 और 8, एक्स बराबर माइनस के 9/8, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यह आ जाएगा 9/18 16 2 18 2 18 16, तो यह आएगा x बराबर माइनस 9/8 इसका आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, b की वैल्यू दे रखी है b² - a + db, यह आ जाएगा 18 का सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, b बराबर a b c और d, then prove that करना आपको b² - a + d और b बराबर BC - AD I2, और I2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1001। तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी और ये राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिए b
बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी और बी। तो देखिए पहले बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी टू बाई टू में, ये भी टू बाई टू में है। तो देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, बी को सी से करेंगे प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, अब इसको करेंगे ए बी प्लस बी डी। अब सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो ए सी प्लस बी सी और ये हो जाएगा बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको इसमें रखेंगे, देखिए बी स्क्वायर ये दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी और बी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई ये ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी और ये आ जाएगा ए बी प्लस बी डी और ये आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी और बी, बी की वैल्यू मेरे पास में है ए बी सी और डी, ए प्लस डी ए बी सी और डी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या है इसको ऐड करेंगे, देखिए तो ये आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस डी सी और ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए ए प्लस डी, बी ए प्लस डी, सी ए प्लस डी और डी ए प्लस डी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस डी सी और ए बी प्लस बी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर और माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी ए बी प्लस बी डी और ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी और ये हो जाएगा ए डी प्लस डी स्क्वायर ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए इसको माइनस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी। अब इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी डी और माइनस ए बी माइनस बी डी, इसको लिखेंगे ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसको लिखेंगे बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, जो कटता उसको काट दे, बचेगा वो लिखेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी सी माइनस ए डी बच गया, ए सी से ए सी डी सी से डी सी कट गया और ए बी से ए बी कट गया, बी डी से बी डी कट गया और ये कटेगा देखिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा बी सी माइनस ए डी। तो ये बचेगा क्या वो देखिए, ये बचेगा बी सी माइनस ए डी बी सी माइनस ए डी और ये नीचे वाला जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, यहां से ये आ जाएगा जीरो और यहां से आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। तो देखिए दोनों में बी सी माइनस ए डी कॉमन आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा वन जीरो जीरो और वन।
यहां से बचेगा BC माइनस AD, यहां से टोटल जीरो हो गया, नीचे टोटल जीरो हो गया, यहां से BC माइनस AD। अब BC माइनस AD इसमें है, BC माइनस AD इसमें, इसमें कॉमन आ गया, तो यहां से 1, यहां से 0, ये 0, ये 1, ये किसके बराबर हो गया, आई 2 के बराबर। अब देखिए BC माइनस AD और ये किसकी वैल्यू होती है, आई 2 की, ये आपके आ गई राइट हैंड साइड, ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, BC माइनस AD आई 2, 1 0 0 1 किसकी वैल्यू दे रखी है, आई 2 की, तो यह हो जाएगा BC माइनस AD आई 2। देखिए 19 का क्वेश्चन, ए बराबर ए बी बराबर ए, ए ए प्लस बी बी, ए ए माइनस बी बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए के रूप में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, ए बराबर दे रखा है 1 0 0 और 1, बी बराबर दे रखा आपको 0 1 और -1 0, देन फाइंड ए ए, आपको फाइंड करना है ए ए प्लस बी बी और डॉट है बीच में ए ए माइनस बी बी, ये इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, ए के रूप में आपको फाइंड करना है। तो देखिए भाई ए ए प्लस बी बी, पहले तो इसको निकाल लेते हैं, ए ए प्लस बी बी इसको निकालो, इसको निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए ये ए, ए कैपिटल ए की वैल्यू है 1 0 0 1 प्लस बी, फिर दे रखा है कैपिटल बी 0 1 -1 0, इनको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए 0 0 और a प्लस 0 b -b और 0, तो देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस 0 0 प्लस b 0 माइनस b और a प्लस 0, तो सॉल्व करने पर आ गया ये a b माइनस b और a, ये मेरे पास में आ गया a a प्लस b b की वैल्यू। अब मैं निकालता हूं a a माइनस b b, इसकी वैल्यू निकाले तो देखिए क्या आती है, ए कैपिटल ए की वैल्यू है 1 0 0 1 और -b b 0 1 और -1 0, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए 0 0 a और प्लस बना लेता हूं मैं इसको, माइनस बी को अंदर ले जाऊं तो ये 0 -b और +b और 0, देखिए ये माइनस बी था, इस माइनस बी को अंदर ले गया, बाहर प्लस बना दिया, प्लस बाहर क्या ले गया प्लस, अंदर को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, ये माइनस का बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी और ये 0, इनको आपस में ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, ए प्लस 0 0 -b 0 + b और a + 0, तो यह आ जाएगा a माइनस बी बी और a, यह आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब देखिए इसको मैंने पहले क्या किया है, ए ए प्लस बी बी की वैल्यू निकाली, ये आ गई, फिर मैंने निकाला है ए ए माइनस बी बी की वैल्यू निकाली, मेरे पास में आ गई ये। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए
ए ए प्लस बी बी डॉट ए ए माइनस बी बी, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए ए प्लस बी बी की वैल्यू मेरे पास में आ गई, ये क्या आ गई, ए बी माइनस बी और ए, और ए ए प्लस बी बी की वैल्यू मेरे पास में आ गई ये, ए ए माइनस बी बी उसकी वैल्यू मेरे पास में ये, तो ए माइनस बी, बी और ए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए को इससे करेंगे माइनस का ए बी प्लस का ए बी, अब इसको करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी, इसको करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो देखिए ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो और ये जीरो, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो और वन। अब देखिए वन जीरो जीरो वन किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरी कंडीशन को क्या लिख दू, किसके बराबर आ गई है, ए के बराबर, ये इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19 का। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 20 का क्वेश्चन, 20 में क्या दिया है, ए दे रखा है बी दे रखा है, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए माइनस बी की होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 का है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व करते देखिए। 20 का आप निकाल लेना भाई, ऐसे ही करना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए बराबर दे रखा है आपको 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और ए स्क्वायर बराबर दे रखा है के ए माइनस 2 आई 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। देखिए ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर को दो बार लिखेंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2 3 4 माइनस 2 माइनस 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए निकालेंगे 3 3 9 माइनस का 8, 3 × −2 6 माइनस का, और प्लस का कितना आ जाएगा 4, 4 × 3 12 माइनस 8, और माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 1, ये 4, ये माइनस का 2, यहां से माइनस का 4, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें रखते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई 2, ए स्क्वायर मेरे पास में आ गया ये 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के ए, ए मेरे पास में है 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 माइनस 2 आई 2, आई 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 बाई 2 में है, तो आई भी क्या आ जाएगा, आई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 और 1, तो देखिए यह आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4
तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k और ये आ जाएगा 4k माइनस 2k और इसको मैं प्लस ना दूं तो ये हो जाएगा माइनस का 20 20 0 और माइनस 2। इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ये आ जाएगा 3k माइनस 2 और माइनस 2k प्लस 0 4k प्लस 0 और माइनस 2k माइनस 2। अब देखिए कंपेयरिंग कर लेते हैं, मेरे को सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, किसी भी रो और कॉलम की कंपेयरिंग कर लो। तो देखिए मैं 3k माइनस 2 बराबर इसकी करता हूं, 3k माइनस 2 बराबर 1, 3k बराबर 3 और k बराबर क्या आएगा 1। किसी की भी कर लो, किसी की भी कंपेयरिंग कर लो, ये आएगा k इक्वल्स टू 1। इसकी कर लो 4k बराबर 4 हो जाएगा तो k बराबर 1 आ जाएगा, माइनस 2k माइनस 2 की करेंगे माइनस 4 तो k बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया भाई, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए आज के लिए इतना ही होगा आप लोगों के लिए, धन्यवाद।